जैसा कि आप देख रहे हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग। और फ्रेंड, इस वीडियो में हम आपको गॉस के नियम का छठा अनुप्रयोग बताएंगे, जो कि एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फेयर। तो फ्रेंड, सबसे पहले नॉन कंडक्टिंग स्फेयर क्या है? यह यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। तो सबसे पहले हम इसमें फिगर बनाएंगे एक यूनिफॉर्मली नॉन कंडक्टिंग स्फेयर का। तो मान लिया कि यहाँ पर एक हम स्फेयर बनाते हैं, यह स्फेयर है जो कि यूनिफॉर्मली नॉन कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग है, मतलब, और यह स्फेयर है यानी इसमें जो भी चार्ज रहेगा वह इसके संपूर्ण आयतन में, पूरे वॉल्यूम में एक समान रूप से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। इस तरह से यह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। तो फ्रेंड, यहाँ पर सबसे पहले हम इसका आयतन आवेश घनत्व निकालेंगे। यानी मान लिया कि यह जो गोला है, इस गोले की त्रिज्या आर क्यूब आर है, कैपिटल आर। इस गोले की त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर। यानी यहाँ से यहाँ तक ये जो रेडियस है वह कितना है? कैपिटल आर है। और यहाँ पर ये गोले का केंद्र ओ है। तो इसके केंद्र से यहाँ यह दूरी आर, आर त्रिज्या का यह क्या है? एक अचालक गोला है जो कि एक समान आवेश से आवेशित है। और हमने मान लिया कि यह जो संपूर्ण आवेश है वह क्यू है। यानी इसमें जो आवेश है टोटल वह कितना है? क्यू है। तो इस गोले का जो आयतन आवेश घनत्व होगा, यहाँ पर जरा देखें, गोले का यहाँ पर लिखेंगे माना गोला, यहाँ से जरा देखें, माना गोला क्यू आवेश से आवेशित है, क्यू आवेश से आवेशित है, माना गोला क्यू आवेश से आवेशित है, तब आयतन आवेश घनत्व, तब आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व को हम लोग रो से प्रदर्शित करते हैं, रो इक्वल टू क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि जो गोले का आयतन होगा वह 4/3 पाई आर क्यूब होगा। और यहाँ पर जरा देखेंगे, जब यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा, क्यू इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब और कितना? रो। तो फ्रेंड, इसको हम इक्वेशन वन बना लेते हैं। यह क्या है? गोले का आयतन आवेश घनत्व है, मीन्स एकांक आयतन में कितना आवेश है। अब यहाँ पर कुल तीन केस उत्पन्न होते हैं। पहला केस यह है कि जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वह गोले से बाहर हो। दूसरा केस कि वह बिंदु गोले के पृष्ठ पर हो। और तीसरा केस आता है कि वह बिंदु गोले के अंदर हो। तो फ्रेंड, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट, पहला केस क्या है कि जब बिंदु पी गोले के बाहर हो। केस फर्स्ट, जब बिंदु पी यानी जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वह बिंदु पी गोले के बाहर हो। जब बिंदु पी गोले के बाहर हो, तो यह पहला केस हुआ। अब इसमें मान लिया कि यह कोई बिंदु यहां पर है गोले के बाहर, तो कोई बिंदु पी यहां पर हम मान लेते हैं यहां पर। तो अब यहां से क्या करेंगे कि एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे, थोड़ा सा और नज़दीक हम बना लेते हैं ताकि फिगर अच्छे से बन जाए।
तो यहाँ से इस बिंदु ओ से इस बिंदु पी की जो दूरी है हमने मान लिया कि वह स्मॉल आर है। सो यहाँ से बिंदु पी से गुजरने वाला जो गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे वह आर त्रिज्या का एक गोला बनाएगा। बिंदु पी से जाने वाला जो गॉसियन पृष्ठ होगा वह आर त्रिज्या का एक गोला बनाएगा ऐसे। तो यहां पर यही है गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ, और यह गॉसियन पृष्ठ काल्पनिक होता है। तो इसी गॉसियन पृष्ठ पर बिंदु पी से गुजरने वाला एक अति सूक्ष्म भाग, इस गॉसियन पृष्ठ का यहां पर एक अति सूक्ष्म भाग ले लिया जिसका क्षेत्रफल सदिश वेक्टर डीए है और इसका डायरेक्शन इस क्षेत्रफल से बाहर की ओर, और इस धन आवेश के कारण इस बिंदु पी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होगी वह भी बाहर की ओर होगी। यानी यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और क्षेत्रफल सदिश दोनों के बीच का जो कोण होगा वह 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो अब जरा देखें इस बिंदु पी से गुजरने वाले गॉसियन पृष्ठ क्या है, एक गोला है। तो इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, तो यहां पर जरा देखेंगे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू ई डी ए। और यहां पर जरा देखेंगे ई डी ए को जब हम लोग हल करेंगे तो आएगा ई डी ए कॉस थीटा। तो यहां पर थीटा क्या है, 0 डिग्री। तो यहां से यह हो जाएगा फाई ई इक्वल टू ई, ई को बाहर ले लेंगे ऐसे देख लेंगे, यहां पर इसका इंटीग्रल करना है तो ई डी ए का मतलब ई डी ए डॉट प्रोडक्ट है तो ई डी ए कॉस यहां पर क्या ले लेंगे, 0। तो यहां से फाई ई हो जाएगा, ई बाहर आ जाएगा और यहां से हो जाएगा डी ए, और यहां पर ए कॉस 0 की वैल्यू 1, और डी ए का मतलब इसका क्षेत्रफल, गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो यानी यहां पर आएगा ए। अब यहां पर क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इस गोले का जो क्षेत्रफल पूरा है वह हो जाएगा 4πr² तो यहां पर यह फाई ई, सॉरी यहां पर फाई ई रहेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इक्वल टू ई इंटू 4πr², क्योंकि यहाँ पर जो एरिया होगा वह 4πr² होगा। फ्रेंड इसको बनाएंगे इक्वेशन 2। अब गॉस के नियम से, गॉस का नियम क्या कहता है, गॉस का नियम कहता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से घिरे आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो इस गॉसियन पृष्ठ से कितना आवेश घिरा हुआ है, क्यू आवेश घिरा हुआ है। तो यहां पर लिखेंगे परंतु गॉस के नियम से, गॉस के नियम से फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन ε0, इसको बनाया इक्वेशन 3। तो बाई इक्वेशन 2 एंड 3 समीकरण 2 तथा 3 से ई इंटू 4πr² इक्वल टू क्यू अपॉन ε0। तो यहाँ से जब ई इक्वल टू निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1/4πε0 और q/r². तो फ्रेंड यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है
वह दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती है, यानी जो जो दूरी बढ़ता जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती जाएगी। अब यहाँ पर जरा देखेंगे, यहाँ से इसको बनाया इक्वेशन 4, अब परंतु यहाँ पर जरा देखें, परंतु यहाँ से जरा देखेंगे Q, Q का मान यहाँ पर रखेंगे तो समीकरण 1 तथा 4 से बाई इक्वेशन वन एंड फोर समीकरण 1 से यहाँ पर Q का मान रखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 1/4πε0 Q, Q की जगह हम लोग रखेंगे 4/3πr³ρ, और यहाँ से 1/4πε0 और यहाँ से क्या रखेंगे, यह r²। तो यहाँ से 4π से 4π कट जाएगा और यहाँ पर आएगा ρ/ε₀। यहाँ से देखेंगे E इक्वल टू आएगा 4π से 4π कट जाएगा और यहाँ पर आएगा ρ/3ε₀ और r³ r²। यह बना इक्वेशन 5। तो फ्रेंड यहाँ पर यही फार्मूला आ गया कि गॉसियन पृष्ठ के बाहर इस गोले के बाहर किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू ρ/3ε₀r³r² होता है। तो यहाँ पर अब केस 2 आता है कि जब यह बिंदु P इस गोले के पृष्ठ पर हो, यह बिंदु P कहाँ पर हो, इस गोले के पृष्ठ पर हो। तो केस टू जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो तब यहां पर क्या हो जाएगा, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा। तो यही समीकरण 5 में इसको क्या करेंगे, रख देंगे, लिखेंगे तब स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, तब समीकरण पाँच से जरा देखेंगे E इक्वल टू कितना हो जाएगा, ρ/3ε₀, और यहाँ पर जब R रखेंगे तो ऊपर केवल बस बचेगा R, यानी E इक्वल टू ρ/3ε₀। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ρ/3ε₀। तो यह हो जाएगा कब, जबकि यह बिंदु P यहाँ इस गोले के वक्र पृष्ठ पर आ जाएगा, तो वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू ρ/3ε₀ हो जाएगा। अब फ्रेंड इसमें केस तीसरा आता है, केस थर्ड आता है कि जब बिंदु P, यह बिंदु P इस गोले के भीतर आ जाए, तो जब यह बिंदु P गोले के भीतर आ जाएगा तो देखेंगे फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। यह मान लिया कि पहले गोला था जिसका त्रिज्या R है, यानी यह दिया हुआ गोला था, अचालक गोला जो कि Q आवेश से आवेशित था। अब बिंदु P कहाँ पर आ गया, गोले के भीतर आ गया। जब बिंदु P गोले के भीतर आ गया, मान लिया यहाँ पर आ गया, तो अब यहाँ पर गोले का यह केंद्र O है। अब हम इस बिंदु P से, बिंदु P यहाँ पर है, इस बिंदु P से जाने वाला एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे और वह गॉसियन पृष्ठ भी क्या बनाएगा, एक गोला बनाएगा। तो
कुल आवेश तो Q थे। अब मान लिया इसके अंदर जो आवेश आया वह कितना आया, वह मान लिया Q डैश आ गया। इसके अंदर इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, कुल Q डैश है। तो फ्रेंड यहां से फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इसका फार्मूला बदलेगा। तो अगर इस बिंदु P से गुजरने वाला समस्त पहले वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, यहां पर जरा देखेंगे, केस थर्ड है जब बिंदु P, जब बिंदु P अंदर हो, गोले के अंदर हो, ये केस थर्ड है। तब यहां पर लिखेंगे बिंदु P से, बिंदु P से गुजरने वाला, बिंदु P से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बिंदु P से गुजरने वाला समस्त वैद्युत फ्लक्स तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू 4πr², ठीक इसी तरह से हम लोग इसको भी डिराइव करेंगे तो यहाँ तक आ जाएंगे फाई ई इक्वल टू 4πr². यहाँ पर r क्या था, O से लेकर बाहर जो बिंदु P था वहाँ तक की त्रिज्या थी, यहाँ पर जो r होगा वह O से लेकर बिंदु P तक यानी यह r होगा, और जबकि ये पूरा r क्या है, कैपिटल R, यह गोले का त्रिज्या है, इस बड़े वाले गोले का त्रिज्या है। अब यहाँ पर दूरी छोटी हो गई और इस छोटे गोले के अंदर कितना आवेश है, Q डैश है। टोटल आवेश इस छोटे गोले के अंदर कितना है, Q डैश है। तो यहाँ से जब गॉस का नियम लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा Q डैश अपान एप्सिलॉन नॉट। तो फ्रेंड यहाँ से जरा देखें, अब हम लोग यहाँ से लिखेंगे, इसको अब मिटा देते हैं हम, यहां से जरा देखेंगे तो यहां से फाई ई इक्वल टू इतना हो गया। अब लिखेंगे परंतु गॉस के नियम से, परंतु गॉस के नियम से, तो अब जरा देखेंगे यहां पर फाई ई इक्वल टू हो जाएगा क्यू डैश अपान एप्सिलॉन नॉट। Q डैश अपान क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो अब यहाँ इन दोनों समीकरणों से मान लिया कि यह इक्वेशन बना लिया हमने 6 और इसको बना लिया 7, तो बाय इक्वेशन 6 एंड 7, इक्वेशन 6 और 7 से यहाँ पर जरा देखेंगे तो यह हो जाएगा E इंटू 4, ये 4 है, 4πr² इक्वल टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई इक्वल टू हो जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश अपॉन r² क्यू डैश अपॉन यह है r², इसको बनाया इक्वेशन 8। अब यहां पर जरा देखें क्यू डैश क्या है, इस छोटे गोले के अंदर आवेश है, और Q क्या है, इस बाहर गोले के, बाहरी गोले का जो टोटल आवेश है। तो यहाँ पर जो आयतन आवेश घनत्व है दोनों गोलों के लिए एक समान है, क्यों, क्योंकि यह गोला एक समान आवेश से आवेशित है। तो यहाँ पर जरा देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे परंतु रो इक्वल टू क्यू अपान, क्योंकि आयतन आवेश घनत्व दोनों गोलों के लिए समान है, तो क्यू अपान 4π3πr³ इक्वल टू, यहाँ से जरा देखें क्यू डैश अपान 4π3πr³, ये दोनों बराबर हैं। यहाँ से जरा देखेंगे, अब क्यू डैश की वैल्यू रो के पदों में जब रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ई इक्वल टू 1/4πε₀, यह हो गया Q डैश की वैल्यू, देखेंगे ये यहाँ से रखेंगे तो देखेंगे यह 1/r² पहले से है, इसको भी लिख दिया, अब यहाँ पर आएगा रो इंटू 4/3πr³।
अब इस आर स्क्वायर से यह आर स्क्वायर एक कट जाएगा, तो यहाँ पर आर बचेगा, फोर से फोर कट जाएगा, पाई से पाई कटेगा, तो यहाँ से आएगा e इक्वल टू, यहाँ से जब देखेंगे तो ऊपर से आएगा रो आर अपान, नीचे से बचेगा थ्री एप्साइलन नॉट। तो यही फार्मूला हो गया वैद्युत क्षेत्र का, कब, जबकि बिंदु P इस गोले के अंदर है, यानी यह जो गोला दिया हुआ था केस थर्ड था, जब बिंदु P एक समान आवेश से आवेशित अचालक गोले के अंदर हो, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे रो आर अपान थ्री एप्साइलन नॉट हो गया। और फ्रेंड यहाँ पर अब आता है कि ग्राफ, देखेंगे यह फार्मूला है गोले के बाहर किसी बिंदु P पर, यह फार्मूला है गोले के पृष्ठ पर, और यह फार्मूला है गोले के अंदर किसी बिंदु पर। तो यहाँ पर जरा देखेंगे, अब एक ग्राफ खींचेंगे, अब हम क्या करेंगे, एक ग्राफ खींचेंगे, और यह ग्राफ बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक गोला बनाएंगे, आवेशित गोला बनाएंगे इस तरह से। यह आवेशित गोला धन आवेश से आवेशित है, और यहाँ पर जरा देखें, यह गोले का केंद्र है, यहाँ से यह इधर हम लोग दूरी को दर्शा देंगे r दोनों तरफ, यहाँ पर यह O है, देखेंगे यहाँ से ये गोले की त्रिज्या, यह गोले की त्रिज्या है, यानी यहाँ पर इस बिंदु पर स्मॉल r बराबर कैपिटल R, और यहाँ पर भी स्मॉल r बराबर कैपिटल R। तो यहाँ ज़रा देखेंगे गोले के अंदर e प्रोपोर्शनल टू r है, गोले के अंदर क्या है, e प्रोपोर्शनल टू r है, यानी यहाँ से यह ग्राफ ऐसे सीधा ऐसे चलेगा, एकदम सीधा रेखा बनाते हुए यहाँ से ऐसे चलेगा ग्राफ। और उसके बाद जब बाहर चल रहा है गोले के बाहर, यहाँ पर यह गोले का केंद्र O है, और यहाँ पर ये पॉइंट है स्मॉल r बराबर कैपिटल R, तो जब गोले के बाहर हम लोग चल रहे हैं तो गोले के बाहर का फार्मूला यह है, यानी यहाँ पर है e प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर जरा देखेंगे यह था e प्रोपोर्शनल टू R का, अब इसके बाहर e प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर है, ठीक इसी तरह से इधर भी हम लोग बनाएंगे, यहाँ पर जरा देखेंगे इसी तरह से यहाँ पर भी यह आएगा, और इधर का भी ग्राफ है ऐसे चला जाएगा, और यह e प्रोपोर्शनल टू r, और इधर हो गया e प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। तो फ्रेंड इस तरह से इसका यह ग्राफ आता है, यहाँ पर इस अक्ष पर हमने E को दिखाया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E को दिखाया है इधर, और यहाँ पर दूरी को दिखाया है। तो फिर इस तरह से इसका यह ग्राफ आता है। O से देखेंगे, O से यहाँ तक यह एक बिल्कुल सीधी रेखा बनाता है, यहाँ तक इधर भी ऐसे सीधा रेखा है, और फिर इसके बाद यहाँ से यह इस तरह से है E प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। तो फ्रेंड इस तरह से इसका यह ग्राफ हो जाता है।